हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक कंपोनेंट रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिक जो जूस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपका निकलने के दौरान क्या क्या फेसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपके स्टमक में रिलीज होता है। इससे पहले मैंने आपको स्टमक बताया था अच्छे से कि स्टमक की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, आपको सब बता रखा है मैंने। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, किस किस से, आपका वाटर से और सॉलिड पार्ट से। वाटर कितना होगा हमारा 99.5% और सॉलिड पार्ट कितना होगा सिर्फ 0.5%। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, जैसे कि सॉलिड पार्ट में आपका आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं, कुछ अदर कंपोनेंट्स आते हैं और कुछ इंजाइम्स आते हैं। इंजाइम्स हमारे कौन कौन से आते हैं, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, जिलेटिनेज हो गया, यूरिएज हो गया, ये सारे इंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक इंजाइम्स होते हैं। अदर में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, म्यूकस हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ये अदर्स में आ गए, लेकिन ये ऑर्गेनिक ही होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या 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 होंगे इसके अंदर, आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब चीज़ें आपकी इनऑर्गेनिक में आती हैं। तो इन सब से मिलकर क्या बना है हमारा, गैस्ट्रिक जूस बना होता है। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस देखिए होता क्या है। गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी में लगभग 2 लीटर पर डे रिलीज होता है। ओके, 1.5 से 2 लीटर हमारी बॉडी पर डे गैस्ट्रिक जूस बनाती है। और कहाँ से रिलीज होगा, सिक्रेटेड डेली बाय सिक्रेटरी ग्लैंड्स इन द म्यूकोसा। हमारी जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही बोल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, हमारा गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करते हैं। जो वो फ्लूड रिलीज करते हैं उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज अ डाइजेस्टिव फ्लूड प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मैंने बताया अभी आपको, सेक्रेटरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आपके आपके स्टमक की लाइनिंग, कौन सी लाइनिंग, म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। जो आपका जूस रिलीज करते हैं उसको गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं हम। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन आपका म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन, आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब देखिए जो हमारा स्टमक होता है, ये आप देख सकते हैं स्टमक की हमारी ये लाइनिंग होती है, ये देखिए एक पार्ट हम देखे हैं उसकी लाइनिंग। तो ये उसका ल्यूमन है, इसकी लाइनिंग दिख रही होगी। इस पार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ल्यूमन स्टमक का। तो इसमें आपको काफ़ी सारे सेल्स दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं म्यूकस नेक सेल, पैराइटस सेल, एंटोक्रोमिक, क्रोमैफिन्स लाइक सेल्स, ECL सेल्स बोलते हैं इनको हम, चीफ सेल्स, डी सेल्स, जी सेल्स, ये सब क्या करते हैं हमारा प्रोडक्शन करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस का। इनको देख लेते हैं, इनके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे हम। वो बेसिकली देखिए आपके 4 टाइप के होंगे। पहला आता है आपका पैराइटल सेल्स, जिनको हम ऑक्सिनटिक सेल्स भी बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अपर पार्ट में होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड के। ये इसका काम क्या होता है, ये रिलीज करते हैं हमारा HCl। हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, तो कौन रिलीज करेगा हमारा, ये हमारे पैराइटल सेल्स रिलीज करते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, ऑक्सिनटिक सेल्स, याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्या रिलीज करते हैं, ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं, जो कि आपका क्या करेगा, डाइजेशन करवाएगा। साथ साथ आपका जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। उसको हमारे फूड में जो विटामिन B12 होगा ना, उसको हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करवाएगा, कौन हमारा, इंट्रिंसिक फैक्टर। सेकंड सेल आता है हमारा, इसमें कौन सा, चीफ सेल, जिसको हम जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स। ये क्या होता है, इट इज फाउंड डीपर इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये डीप में पाया जाता है आपके बेसल रीजन में, ज्यादातर अंदर आप देखेंगे तो आपको नीचे के साइड पे मिलेगा चीफ सेल। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या करेगा, वो कन्वर्ट होएगा आगे जाके पेप्सिन में, और आपका पेप्सिन क्या करता है, हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, प्रोटीन को तोड़ के उसके अमीनो एसिड बनाएगा, ताकि हमारी बॉडी उसको ले पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, हमारे चीफ सेल्स का। थर्ड टाइप का इसमें सेल आता है, कौन सा, हमारा म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल देखिए क्या करता है, इट इज़ लोकेटेड इन द नेक या फिर अपर रीजन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, नेक रीजन में या फिर अपर रीजन में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के। इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है थिनर अल्कलाइन म्यूकस।
जो कि आपका अलग होगा, आपका नॉर्मल जो म्यूकस होता है उससे थोड़ा अलग होता है, अल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है ये, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव बैरियर टू स्टमक लाइनिंग, सिक्रीट बाइकार्बोनेट आयन फॉर एसिड न्यूट्रलाइजेशन, जो कि आपका क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है और आपका एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करवाता है जब जरूरत होती है, ठीक है। जब खाने में जब HCl बहुत ज़्यादा उसकी pH जो होता है बहुत ज़्यादा डाउन चले जाता है, तो आपका बाइकार्बोनेट आयन्स भी रिलीज होते हैं ताकि आपका जो एसिड है उसका बैलेंस हो जाए। फोर्थ हमारा सेल आता है एंडोक्राइन्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के भी आगे टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ टाइप के सेल्स होते हैं मेजर जो होते हैं। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं, ये स्कैटर होते हैं पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, प्राइमरी इन द लोअर रीजन, लोअर रीजन में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, रिलीज करेगा गैस्ट्रीन, सोमैटोस्टैटिन एंड हिस्टामिन। क्या रिलीज करता है ये, गैस्ट्रीन रिलीज करेगा, सोमैटोस्टैटिन रिलीज करेगा और हिस्टामिन रिलीज करता है। ये क्या करेगा, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के डाइजेशन में ये आपका रोल प्ले करता है। अभी आपको पर्टिकुलर पता चलेगा कौन गैस्ट्रिक रिलीज करेगा, कौन सोमैटोस्टैटिन रिलीज करेगा, कौन हिस्टामिन रिलीज करेगा, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन बनाता है, करता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला आता है हमारा जी सेल, दूसरा आता है डी सेल और तीसरा आता है ई सी एल सेल्स, जिनको हम एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये तीन टाइप के क्या होते हैं हमारे सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, एंटेरो एंडोग्राइन सेल्स। जी सेल्स क्या करेंगे, ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन रिलीज करते हैं। ये क्या करेगा, एक हार्मोन होता है गैस्ट्रीन जो कि स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को, पैराइटल सेल्स को बोलेगा कि आप सिक्रीट करो HCl, चीफ सेल्स टू रिलीज पेप्सिनोजन, और चीफ सेल को क्या बोलेगा कि आप पेप्सिनोजन रिलीज करो, जिससे क्या होगा आपके गैस्ट्रिक की मोटिलिटी बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। तो जी सेल्स का काम ये होता है। डी सेल्स आते हैं, डी सेल्स सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ये हमारा इनहिबिट करेगा, रोकेगा रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन एंड रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो जब हमारा गैस्ट्रिक एसिड जो ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए क्या करेगा, डी सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है। तो इनहिबिट कौन करेगा उसको, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है। तो आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है ये एमसीक्यू बन के, कि कौन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करता है, तो आपका कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है। आपका थर्ड आता है इसमें एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल्स, ईसीएल सेल्स, इनको देख लेते हैं हम। ईसीएल सेल्स क्या करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन क्या करेगा, इट एक्ट एज अ पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल एंड स्टिमुलेट पैराइटल सेल्स टू रिलीज मोर HCl व्हेन नेसेसरी। तो आपका क्या करेगा, ये मेनली जाके क्या करेगा, पैराइटल सेल्स को बोलेगा कि आप HCl सिक्रीज, आप HCl ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कुछ ऐसा कुछ आप खा रहे हैं जिसकी वजह जिसको पचाने में आपको ज़्यादा HCl लगेगा, ज़्यादा एसिड लगेगा, तो उसको क्या करेगा, पैराइटल सेल्स को बोलेगा कि ज़्यादा एसिड रिलीज करो, ठीक है। तो ये इसका काम होता है किसका, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स का। तो ये सारे सेल्स होते हैं हमारे जो कि क्या करते हैं, मिलके गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब ये हमारा ब्रेन है, स्टमक है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये तीनों ही स्टिमुलेट होने पर क्या करते हैं, हमारा गैस्ट्रिक जूस का रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन करते हैं इसका। ये गैस्ट्रिक जूस आपका इनहिबिट भी कर सकते हैं और आपका सिक्रीशन भी करवा सकते हैं, ये इनके स्टिमुलेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो राइट राइम से आपको दिख रहा होगा, ये इनहिबिट भी करवाएंगे उसको, रोकेंगे भी और उसका सिक्रीशन भी करवाते हैं। अब ये देखिए जो ब्रेन होता है उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम सिफेलिक फेज बोलते हैं। स्टमक की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम गैस्ट्रिक फेज बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से क्या बोलते हैं इसको, हम इंटेस्टाइनल फेज। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा फेसिस बनाते हैं हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के। ओके, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के फेसिस, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज इसमें क्या आता है, सेफेलिक फेज, यानी कि ब्रेन वाला खोपड़े वाला इसमें काम होगा। क्या होगा, ये देखिए इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें कुछ सिग्नल जा रहा है स्टमक को, स्टमक कुछ कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, देखिए क्या क्या होता है इसमें। स्टिमुलस आपका स्टिमुलेट कैसे होगा ये, दिस फेज इज ट्रिगर्ड बाय द सेंसरी क्यूज एसोसिएटेड विद द एंटीसिपेशन ऑफ फूड। जब भी आपको कोई फूड की एंटीसिपेशन होगी, वो कुछ भी हो सकती है, आपने उसको देख लिया खाने को, स्मेल ले ली, टेस्ट कर लिया, ठीक है, या फिर आपने उसके बारे में कभी कभी लगता है ना कि सोचते ही मेरे मुंह में पानी आया था उस खाने के बारे में, तो आपका ब्रेन क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है और वो प्रिपेयर कर रहा है हमारे स्टमक को कि अगर फूड आएगा तो उसको अपना अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए उसको बोलता है। सेफेलिक फेज बेसिकली आपका इसलिए होता है। रिस्पॉन्स क्या होगा, द ब्रेन पार्टिकुलरली द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल टू द स्टमक इन द एंटिसिपेशन ऑफ मील। तो आपका ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और आपका हाइपोथैलेमस होगा, वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा हमारे स्टमक को कि हमारे हमारा जो फूड है उसमें आने वाला है स्टमक में, तो तैयार हो जाओ उसको डाइजेस्ट करने के लिए।
एक्शंस क्या क्या करते हैं, पैराइटल सेल्स आर स्टिम्युलेटेड टू बिगिन सिक्रेटिंग HCl। पैराइटल सेल क्या करना चालू कर देगा, HCl रिलीज करना चालू कर देगा। चीफ सेल क्या करना चालू कर देंगे, पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे। म्यूकस सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन करेंगे ताकि आपका जो स्टमक की लाइनिंग है वो प्रिपेयर हो जाए फूड आने के लिए। इसका काम क्या है सेफेलिक फेस का, मेन क्या काम है इसका, पर्पस क्या है, दिस फेस प्राइम्स द स्टमक फॉर फूड डाइजेशन। तो आपका क्या करेगा, प्रिपेयर कर रहा है, प्राइम कर रहा है कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाए और इंश्योर कराएगा कि हमारी जो भी गैस्ट्रिक जूस में नेसेसरी चीज़ें चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो तैयार हो जब भी हमारे स्टमक में फूड आए। तो सेफेलिक फेस सिर्फ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ओके, स्टमक को प्रिपेयर कर रहा है वो। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक फेस। गैस्ट्रिक फेस में देखिए क्या होता है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें स्टिमुलस इसमें क्या होगा, कैसे स्टिमुलेट होगा ये। दिस फेज इज इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक। तो ये फेज कब चालू होगा, जब हमारा फूड स्टमक में आ जाएगा। तो ब्रेन ने बोला आने वाला है सेफेलिक फेज में, स्टमक में अब आ चुका है, ओके, अब क्या होगा देखेंगे। रिस्पॉन्स क्या होगा, मिकेनो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स जो कि आपके स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट हैं, ये आपके स्टमक की वॉल को डिस्टेंट कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि फूड आता है थोड़ा स्टमक भी फूल जाता है ना, खाना खाते रहते तो पेट बोलते हो भर गया है पेट, ठीक है। तो स्टमक की वॉल जो होगी वो डिस्टेंट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होने चालू हो जाते हैं, एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड। तो आपका केमिकल कंपोजिशन फूड, स्टमक वॉल्स जो क्या होंगे, डिस्टेंट होंगी। एक्शन क्या होगा इसमें, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि रिलीज हो रहा है जी सेल के द्वारा इन द एंटर ऑफ द स्टमक, एक सिक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स पैराइटल सेल्स टू सिक्रीट मोर HCl। तो गैस्ट्रिन जाके पैराइटल सेल्स को बोलेगा कि और ज़्यादा HCl रिलीज करो ताकि फूड जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, एंड द चीफ सेल टू रिलीज पेप्सिनोजन, और चीफ सेल्स क्या को क्या बोलेगा कि आप पेप्सिनोजन रिलीज करो ताकि कब प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से हो जाए। एंटेरो एंटोक्राइन सेल्स होंगे वो हिस्टामिन रिलीज करेंगे, विच फर्दर स्टिमुलेट पैराइटल सेल्स, जो कि आगे जाके और दोबारा पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि आप और ज़्यादा HCl रिलीज करो, ओके। इसका काम क्या होता है गैस्ट्रिक फेज का, द गैस्ट्रिक फेज इंश्योर दैट गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन मैचेस द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ फूड एंटरिंग द स्टमक। तो आपने कौन सा खाना खाया है उसके बेसिस पे हमारे स्टमक को जितनी रिक्वायरमेंट है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको गलाने के लिए, ताकि वो आपका बोलस बन के आए ना स्टमक में, ठीक है। तो निगला बोलस बन गया, तो बोलस बनने के बाद जब आपका वो काइम बन जाए, तो काइम बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है फूड के अकॉर्डिंग वो उसको प्रिपेयर पूरे तैयारी करवा पाए, ओके। तो इसका ये काम होता है, इट फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये स्टार्ट कराता है हमारा, मतलब हेल्प करता है आपके डाइजेशन, आपका प्रोटीन का डाइजेशन में कौन करवाएगा, आपके पेप्सिनोजन के थ्रू करवाएगा, एंड क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट, और आपका एक एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक के अंदर क्रिएट करता है ये। थर्ड फेज इसमें क्या आता है हमारा, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइन यानी कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, खाना स्टमक के बाद किस में जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां पे जाता है हमारा, ड्यूडेनम में जाता है, ओके। तो आप इसमें डायग्राम की हेल्प से भी और समझ सकते हैं। स्टिमुलस क्या होगा इसमें, दिस फेज इज ट्रिगर्ड बाय अराइवल ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फेज कब ट्रिगर्ड होगा, जब हमारा फूड है ये हमारे स्टमक से जब निकल के पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकल के जब हमारा किस में आ जाएगा, हमारे ड्यूडेनम में आ जाएगा, हमारे काइम, हमारा जो है स्टमक ने काइम बना के ड्यूडेनम में भेजा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, कौन, हमारा इंटेस्टाइनल फेज। रिस्पॉन्स क्या करेगा ये, द प्रेजेंस ऑफ काइम इन द ड्यूडेनम इनिशिएट द हार्मोनल एंड न्यूरल सिग्नल्स। तो आपका जो काइम होगा, अगर जब आपके ड्यूडेनम में आ जाएगा, वो आपके कुछ सिग्नल्स रिलीज करेगा, हार्मोनल और न्यूरल सिग्नल्स रिलीज करेगा। अब एक्शन क्या क्या होगा इसमें, सिक्रीटिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू एसिडिटी ऑफ द काइम। सिक्रीटिन क्यों रिलीज होगा, क्योंकि आपका जो काइम है वो एसिडिक एनवायरनमेंट से निकल के आया ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एसिडिक एनवायरनमेंट था नहीं, तो आपका जब आया उसमें तो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो गया, वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो वो रिलीज हो गया। इट स्टिमुलेट द पैनक्रियास टू रिलीज बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस रिलीज न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक काइम। तो ये क्या बोलेगा, ये काइम जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, कहाँ पे जाएगा, हमारे पैनक्रियाज में जाएगा, और पैनक्रियाज को बोलेगा, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करवाएगा कि वो बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करे, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, ताकि जो एसिडिक काइम आया है उसको न्यूट्रलाइज करवा सके एसिडिक, और कुछ बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, उसको बेसिक मेंटेन करेंगे ताकि आपका जो पीएच है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो सिक्रीटिन का ये काम होगा। इसके अलावा आपका
कोलेसेस्टोकाइनिन सीसी के जो होगा ये क्या करेगा, ये रिलीज होगा इन रिस्पॉन्स टू फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द काइन। आपका जो फैट होगा प्रोटीन होगा जो काइन के अंदर उसके लिए रिलीज होगा, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियास एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाई। तो ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस से में आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में होंगे वो आके उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, उसको तोड़ने में। साथ साथ आपका जो गॉल ब्लैडर से आपका बाइल होगा वो भी रिलीज करवाएगा आपके ड्यूडेनम में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि आपका जो एक आपका फैट है प्रोटीन है वो आपका अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको जो भी डाइजेशन करना है एब्जॉर्प्शन करना है वो सब हो पाए। ओके, तो डाइजेशन तो आपका स्टमक में हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन हो पाया अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन ही तो होगा। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं आपके इंटेस्टाइनल फेज में। इसमें इसका मेन पर्पस क्या है, द इंटेस्टाइनल फेज हेल्प इंश्योर दैट द एसिडिक काइन फ्रॉम द स्टमक इज न्यूट्रलाइज एंड डाइजेशन कंटिन्यूज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। तो आपका जो काइम बन के आया, जो एसिडिक एनवायरनमेंट में से जो काइम आया था, किसमें आया था, ड्यूडिनम में जो आया, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज किसकी हेल्प से करेगा, आपका सिक्रीटिन की हेल्प से, कोलेसिस्टोकाइनिन, स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को कई बार कुछ कुछ स्पेलिंग्स में, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपका इसका न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं इसका काइन का। ओके, और आपका ये बेसिकली इंश्योर करेगा कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा वो अच्छे से प्रॉपर अच्छी कंडीशन बन जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा छोटा सा लेक्चर था गैस्ट्रिक जूस का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझ में आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।